अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें? सर टाइम से डिफरेंशिएट, सर टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर x से वेलोसिटी चाहिए तो dx by dt लगा दो, राइट। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तब क्या करूं? सर वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट कर दी, फिर से डिफरेंशिएट कर दूं। और क्या दो तरीके से कर सकते हैं, dv by dt एंड vdv by dx, ठीक बात है। अगर मुझे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तब क्या करूं? इंटीग्रेट कर देंगे सर टाइम रिस्पेक्ट में, बस इंटीग्रेट कर दो। वेलोसिटी से एक्स चाहिए तब क्या करेंगे? तब भी सर इंटीग्रेट ही करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, परफेक्ट बात है। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या देगा, सर वेलोसिटी, बढ़िया। और एरिया क्या देगा? सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देगा? सर कुछ नहीं, बताओ सर, डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं वाले पढ़ाई करके आओ घर से। एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? क्या करो बेटा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही। एटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? कुछ नहीं। और एरिया क्या देगा? वेलोसिटी, सर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक बात बोली। चलो अब देखते हैं, लास्ट टाइम जो मैंने पेपर्स डिस्कस करे थे कहां तक हमने कर लिए, आज पेपर कंप्लीट करना, राइट। ठीक है, गैलीलियो ने क्या बताया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करेंगे तो फ्री फॉल में क्या होगा? किसी को आइडिया? सर फ्री फॉल में एक रेशियो आता 1:3:5 और सर ये टाइम रिस्पेक्ट में 1 सेकंड में आएगा। अगर फ्री फॉल कराएंगे तो फर्स्ट टी सेकंड में अगर एच गिरा है तो नेक्स्ट टी सेकंड में कितना गिरेगा? 3H। नेक्स्ट टी सेकंड में 5H। बढ़िया, बिल्कुल सही। अब देखो इसको क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन वो कर सकते हैं हम लोग। सर बी पढ़ लो, भी सब लोग देख लो। फर्स्ट 5 सेकंड में H1 गिरा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में H2 एंड नेक्स्ट 5 सेकंड में H3। तो अगर फर्स्ट 5 सेकंड में H है तो क्या नेक्स्ट 5 सेकंड में 3H होगा? तो क्या इसका आंसर बी लग रहा है? सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सर फर्स्ट 20 सेकंड में निकालना है। पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो क्या फोर्स कांस्टेंट है?
इसका मतलब मैं एक्सेशन भी कॉन्स्टेंट ले सकता हूँ. इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज एस वन एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज एस टू. तो अगर फर्स्ट 10 सेकेंड में एस वन चला है तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना चला होगा? 3S1. 3S1 बस देख लो. इससे सेकंड प्लस 3S1 सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. देख तो क्या सेकंड का आंसर सी और थर्ड का आंसर बी आ जाएगा? यस सर. टेस्ट सॉल्व करके बैठो बेटा, तब फायदा है. पढ़ने आए हो तो गलत जगह आ गए हो. पहले करके आओ तब बैठो यहाँ पर, तब तो फायदा है. मैंने बोला फर्स्ट 10 सेकंड में कितना है एस वन, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना चलेगा? 3S1. ठीक बात बोली मैंने? यस सर. देख लो सेकंड का सी थर्ड का बी. फोर्थ क्वेश्चन देखो. वॉटर ड्रॉप्स fall at regular interval from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant first drop touches the ground. So, हमारे पास एक टैप है जहां से वॉटर लीक हो रहा है, राइट? तो क्या फर्स्ट ड्रॉप हमारी ग्राउंड के पास है? तो अब क्या करूं बताओ, क्या करना चाहिए मुझे? टाइम इंटरवल निकालेंगे. टाइम इंटरवल क्यों निकालेंगे? सिलेक्शन ऐसे मिलेगा क्या टाइम इंटरवल निकाल करके? टाइम इंटरवल क्यों निकालूंगा? पढ़ाई करो पढ़ाई. ऐसे सिलेक्शन नहीं होना. इस फॉर्मूले से H निकालेंगे, पर्टिकुलर राइट H है कि क्या करूं बेटा ये बताओ ना, क्या करेंगे, क्या लिखूंगा, काम की बात बताओ. सब 4H इक्वल्स टू 5 मीटर. बस यही पूछ रहा हूं. 4H इक्वल टू 5, तो क्या H आ गया 5/4? यस सर. 1.25 आएगा. बढ़िया. तो जो सेकंड ड्रॉप है उसकी हाइट कितनी थी? सर 3S थी, तो 1.25.2 डाल देंगे. यस सर. H की वैल्यू डाल दो. आ गया आंसर. सही बात है. मेहनत करो तभी फायदा है. चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है. नहीं 4 जैसा 5 ही ना. अब 5 सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्या? यस सर. आप देखो ट्राई करो. जैसा मैंने 4 में करा वैसा 5 में करूं. करो जल्दी सब ट्राई करो. सर एच 9 आ रही है. सर हाइट 20-45 आ रही है. एच 45 आएगा. सिमिलर क्वेश्चन है. तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन था या नहीं था? यस सर. बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 6 देखो.
a ball is released from the top of tower height h meter if it takes t seconds to reach the ground. What is the height of the ball from ground at t by 3 seconds? क्या बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में टी सेकंड लग रहा है? तो उस टी सेकंड के मैंने तीन पार्ट कर दिए, टी बाई थ्री, टी बाई थ्री, टी बाई थ्री। तो फर्स्ट टी बाई थ्री में अगर एक्स गिरा है तो नेक्स्ट टी बाई थ्री में कितना गिरा होगा? थ्री एक्स, देन फाइव एक्स। टोटल हाइट हमारी कितनी आ गई? 5x plus 3x plus x. तो क्या x की वैल्यू h by 9 आ गई? बताओ भाई। तो मुझे लगता है कि t by 3 पे कितनी हाइट पर था? 8x की हाइट पर था। 8x का मतलब होगा 8 into h by 9। अब देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है सर? सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो। तो सेवेंथ वाले में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस लगेगा। हाँ बेटा लगा सही। सर मुझे एक बार जो है जो अपने एट एच वाला बाय नाइन वाला सॉल्यूशन वाला दिखा सकते हो, समझा दो दोबारा। क्या दिखाऊं सर? जो अभी पिछला आपने क्वेश्चन कराया ना उसका थोड़ी लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही है मुझे। अच्छा हाँ सर देखो, क्या नहीं समझ में आ रहा? ठीक है सर, आ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेवन कौन बताएगा क्या करूं? सर s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a। बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। क्या मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस बताया? सर स्टॉपिंग डिस्टेंस लगा देंगे दोनों की एक्सीलरेशन को बराबर तक। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय 2a, राइट? यस सर। बढ़िया, मुझे कौन से बताओ कि भाई ये चीज चल रही दिमाग में, जिसके दिमाग में जो चीज आए बताओ। तो इस फॉर्मूले से क्या एक्सेलरेशन का काम कर लेगा ना? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने तो बता दिया जिससे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मैंने बता दिया भाई s का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर बाय 2a। अब क्वेश्चन में यू क्या हो गया है? 40 से 80 हो गया है क्या? डबल। तो अब करके देखो आंसर क्या आता है। सॉल्व तो तुम्हें करना है ना, मैं तो हिंट दे सकता हूँ। इसको ऐसे ट्राई करके देखो सर, 8 मीटर सी आ रही है। बढ़िया, यस सर 8 मीटर आ रहा है। भाई मुझे तो दिख रहा है 40 से 80 हो गया, स्पीड डबल, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दो। सही बात है, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने वालों की तरह सोचो, दिमाग वैसा करो जैसे टॉपर सोचते हैं। एट क्वेश्चन देखो, क्या स्पीड u और 4u है? यस सर। तो देखो दिमाग में क्या बात आ रही है, स्पीड 4 टाइम्स है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स। 16 टाइम्स सर। सही बात है? यस सर। जी सर। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा ऑप्शन बदल रहा हूँ, देखना ध्यान से क्या करा मैंने ऑप्शन के साथ। एक ऑप्शन मैंने दे दिया 16:1 और दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 3:48। तो जब भी डी रहेगा ना,
तब भी डी रहेगा। 3/4 हाँ 3/48 1/16 होता है। ये समझ में आया मैंने क्या करा? यस सर। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन देखते हैं जो हमने ग्राफ सीखा है। जब भी ग्राफ आता है मेरे दिमाग में दो ही आइडिया आता है, स्लोप एंड एरिया, राइट? यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है? यस सर। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ दिख रही है? सी पे होगी सर। ठीक होगी, कैसे पहचाना? स्लोप देखना सर, स्लोप कहाँ पे चेंज, किसका सबसे ज्यादा होगा। हाँ क्या दिखा बताओ सर? जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव? यस सर। पॉजिटिव वाली बात कहाँ से आ गई? वही मैक्सिमम स्लोप सर, मैक्सिमम कर्व है ना शायद इसमें डिस्टेंस से टाइम पे। तो तुम लोग बी आंसर क्यों नहीं बोल रहे हो, सी क्यों बोल रहे हो? तो सर सी पे हो रहा ना, डी पे तो हो नहीं रहा था सर। वो पॉजिटिव है सर, एक्स एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल बनाएगा ना। क्या कहानी कर रहे हो तुम? ए टू बी क्या हो रहा? अच्छा ये बताओ ग्राफ में ए टू बी क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? डिक्रीज हो रहा है सर। ए टू बी क्या हो रहा है? काम की बात बताओ बेटा, फालतू बात नहीं सर। ऐसा होता है ना, स्लोप 10 थीटा होता है, जहां पे थीटा ज्यादा होगा स्लोप उससे ज्यादा होगा। ए टू बी क्या हो रहा है ये बताओ, काम की बात बताओ बेटा। टॉपर्स सोचते हैं, टॉपर्स की तरह सोचना सीखो, फालतू बात नहीं बताऊंगा। वो वर्ड बोलो जिसमें मैं कहूंगा डन। ए टू बी क्या हो रहा है सर? स्पीड इंक्रीज हो रही है। बढ़िया, एक्सेलरेट हो रहा है, सीधा बोलो। सी टू डी क्या हो रहा है सर? डी एक्सेलरेट, रिटार्ड, सही ना? तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी सर? सी सर, बी टू सी। हाँ अब बी टू सी स्ट्रेट लाइन है या नहीं, वो डाउट है मुझे। ग्राफ में देखो ए टू बी एक्सीलरेट हो रहा है और सी टू डी क्या हो रहा है, रिटार्ड। तो रिटार्डेशन कहां से स्टार्ट हुआ है? सी से स्टार्ट हुआ है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे सी पे लग रही है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहां पर होगी? सर ई के पास। ई के पास, परफेक्ट है। कैसे बचाना? परफेक्ट है सर, वो वहां पे रिटार्ड हो गया। हां कैसे बचाना? ई का स्लोप देखते हैं। ई का स्लोप नेगेटिव, बस बात खत्म। ई का स्लोप नेगेटिव, दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डी। कौन सा ग्राफ गलत है? सी। परफेक्ट, कैसे बचाना? सर एक पार्टिकल दो पोजीशन भी नहीं हो सकता। पोजीशन कहां से आ गई बेटा, पोजीशन कहां से आ गई? विच आर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। पहले क्या था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, अब क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। नॉट पॉसिबल सर, सी और डी। मल्टी आंसर है, मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। सी तो पक्का गलत है। यस सर, क्योंकि एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। और डी सर नेगेटिव सर, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। कौन वो नहीं हो सकता भाई, वो कौन सर? स्पीड। हाँ तो स्पीड बोलो ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्या मतलब है? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, सही बात है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस पे मैंने 3 स्टार लगाया, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है।
देखो भाई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मैं करके दिखाता हूँ। A body is at rest at x equal to 0 and t equal to 0. Now it starts moving in positive x direction with constant acceleration. At the same instant, another body passes through x equal to 0, moving in positive x direction with constant speed. तो क्या दो केस हैं यहाँ पर? Yes, sir. एक केस में क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है क्या? तो मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है क्या? पढ़ो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ लिया सबने? Yes. क्या हमें x1 माइनस x2 निकालना है? तो x1 को मैं क्या लिखूंगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेट हो रहा है। और x2 क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है ना? Yes. तो क्या यहां पर x की मैक्सिमम पावर 1 है? Yes. और टी की मैक्सिमम पावर कितनी है? टू. क्या टी की मैक्सिमम पावर 2 है? Yes. इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या पैराबोला? सर पैराबोला। पैराबोला सही बात है। Yes, sir. अब एक्स वन टू किसके इक्वल है? तो कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव फिर नेगेटिव। सर आधा पैराबोला। पैराबोला वाले कितने ऑप्शन हैं? देखो तीन है। तीन सर नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ देखते हैं उसको कैसे मालूम पड़ा। ये मैं चाहता हूँ एक्स वन टू को जीरो डाल दो। X12 दिख रहा है? Yes, sir. तो जीरो डाल के बताओ टाइम क्या आया? हमारा क्वेश्चन क्या है देख लो, हमारे पास जो एक कार है क्या ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है?
तो मैंने इसे लिखा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरी बाइक है, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चली जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है वी, तो एक्स हो जाएगा वी टी। अगर मैं एक्स वन टू निकालना चाहता हूँ, क्या एक्स वन माइनस एक्स टू लिखूंगा? यस सर। तो एक्स वन कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्स टू कितना है वी टी। सही है? यस सर। तो क्या ऐसा बन गया ये ए टी स्क्वायर बाई टू माइनस बी टी। जो मैंने लिंक भेजा बेटा, ये बार बार हर क्लास में नया लिंक भेजू या सेम लिंक से काम चलेगा? सेम लिंक भाई, लिंक को ज्वाइन करा तुम, हर क्लास में नया लिंक थोड़ी नहीं भेजूंगा। जो लिंक है तुम्हें पता है क्लास 11 बजे बस लिंक खोल लिया करो, और जो बात बताइए उसको ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला एक्स वन टू को क्या कर दो, जीरो डाल दो, ए टी स्क्वायर बाई टू किसके इक्वल हो गया वी टी के, उसे टाइम कितना आ गया टू वी बाई। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा एक्स वन टू वर्सेस टाइम, तो क्या पावर टू है यहाँ पर, टाइम की पावर टू एक्स पावर वन, तो क्या ग्राफ पैराबोला बनेगा? यस सर। जब टाइम जीरो था तब एक्स कितना था सर? जीरो। जीरो, इसका मतलब दोनों ओरिजिन पे थे क्या? जब टाइम टू वी बाई ए है तब एक्स कितना है सर? जीरो। बहुत बढ़िया, तो एक पर्टिकुलर टाइम है टू वी बाई ए जिसपे फिर से एक्स क्या हो गया है जीरो। अगर टाइम वी बाई ए तब एक्स कितना होगा सर? नेगेटिव में। कितना बताओ, सौ करे बताओ, ये बेटा सेम लिंक काम करता है तो बार बार लिंक नहीं लू, एक बार लिंक भेज दिया हर बार क्लास 11 बजे ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, बार बार लिंक थोड़ी नहीं भेजा जाएगा। अब ये बताओ एक्स वन टू कितना आएगा जब टाइम वी बाई ए सर? माइनस वी स्क्वायर बाई, माइनस वी स्क्वायर बाई टू है। बी कहां से आ गया सर? वी वी, यस सर, माइनस वी स्क्वायर बाई टू है, माइनस वी स्क्वायर बाई टू है। चेक करो सब कहीं आ रहा है, यस सर। बढ़िया, इसका मतलब पैराबोला ग्राफ नेगेटिव में बनेगा क्या? यस सर। अगर टाइम थ्री वी बाई ए डाल दिया तो क्या एक्स वन टू पॉजिटिव आ जाएगा? यस सर। इसका मतलब ग्राफ कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव सर, अपवर्ड जाएगा, ठीक है? यस सर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, और तुमने पहले ट्राई करके रखा होगा तभी फायदा है यहाँ बैठने का, पहले ट्राई नहीं करा घर बैठो भाई तुम लोग, अभी पहले ट्राई करके आओ इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। चलो रीड कर लो फिर देखते हैं। पढ़ लिया सबने? यस सर। ठीक है, मैं एक हिंट देता हूं, उस हिंट को पकड़ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया है? यस सर। तो जब बॉल नीचे जाएगी तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव होगी?
क्या बॉल ऊपर आ रही है? यस सर। तो ऊपर जाते टाइम बॉल की वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या हम ऐसा कह सकते हैं v square equal to u square plus 2gh? तो वेलोसिटी की पावर कितनी है? 2। और हाइट की पावर कितनी है? 1। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या पैराबोला? पैराबोला। ठीक बात है? यस सर। तो आप पहचानो मैं क्या बोल रहा हूँ। वेलोसिटी और एच का ग्राफ है, तो बॉल जब डाउनवर्ड आएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, अपवर्ड जाएगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। सर ए ऑप्शन। तो इसका मतलब बी और डी तो पक्का गलत है ना? यस सर। वेलोसिटी का साइन बदलना चाहिए। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या पैराबोला? पैराबोला। इसलिए सी ऑप्शन भी पक्का गलत है। ठीक बात है? यस सर। इसका मतलब अगर हमारी बॉल एच हाइट से गिर रही है तो धीमे धीमे उसकी हाइट कम होती जा रही है क्या? यस सर। और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, सही बात है? यस सर। जैसे वो ग्राउंड को हिट करेगी क्या बाउंस बैक होगी? तो बाउंस बैक होने के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई है क्या? और बाउंस बैक एच हाइट पर हुई है या एच बाई टू पर? एच बाई सर एच बाई टू। तो देखो आंसर आ गया होगा। ठीक बात है? यस। अभी ये मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तो दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना बेटा, जो मैंने लिंक भेजा हुआ ना उसको सेव कर दो, उसी लिंक से हमेशा ज्वाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बॉल फॉल हो रही है? यस सर। इसका मतलब पहले वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। जब बाउंस बैक होगी तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो दो ऑप्शन पक्का रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, कौन कौन से? फर्स्ट ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव दिखाई है क्या? यस सर। तो रॉन्ग है। और डी ग्राफ भी मुझे रॉन्ग लग रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो आंसर पक्का बी और सी में से एक होना चाहिए। Yes, sir. अब टाइम ऑफ फॉल और टाइम ऑफ राइज सेम होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर फॉल 2 सेकंड तक फॉल हुई तो 2 सेकंड तक राइज होगी। तो क्या थर्ड ग्राफ में टाइम मेंशन करा है? T1, 2T1, 3T1, 4T1? Yes, sir. और बी ग्राफ में कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया? नहीं किया। तो ज्यादा सही ग्राफ कौन है, बी या सी? सी। बस तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक बात है? देखो बाकी सिमिलर ग्राफ बनाए गए हैं क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है मैं क्वेश्चन में। यस। ठीक है, इसका एरिया क्या देगा? सर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बस तो लगा दो एरिया इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। निकालो तो इसका एरिया निकालो, उसको चेंज इन वेलोसिटी इक्वल डालो। 85 मीटर पर सेकंड। बढ़िया।
क्या एट और नाइन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हैं? यस सर। पहले सबको ये बात समझ में आ रही बेटा कि ये पेपर करके बैठोगे तभी इन क्लास का फायदा है ना? खाली क्लास करने आ गए उससे कोई फायदा नहीं है, पहले अटेम्प्ट करो। जब फंस रहे हो गए तो मैं देखो हिंट देता जा रहा हूँ सबका, जो ज्यादा मुश्किल है वो मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। तो अब एट्थ और नाइन्थ में ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है। नाइन्थ में इनिशियल निकालना। बढ़िया, फिर से करो। एरिया इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डालो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। -25। बढ़िया, बिल्कुल सही है, -25 आएगा। लॉजिकल है? यस। अब 10th क्वेश्चन में मैंने 3 स्टार लगाया है क्या? यस सर। यानी ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर तुम लोग उसको ट्राई करना। ठीक है, देखना ध्यान से। मैंने ग्राफ प्लॉट करा है, Vx ग्राफ। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो क्या मैंने कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं? 0, 10 एंड 10, 0। यस सर। हमें एक फॉर्मूला पता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ वाई की जगह मैंने क्या लिखा है? V, C क्या होता है? ग्राफ y एक्सिस पे जहां कट करता है उसको हम C कहते हैं, y इंटरसेप्ट। तो क्या C 10 है? Yes, sir. M का मतलब होता है स्लोप। ठीक, स्लोप का मतलब यहां पर मैं बोला जाऊं 10 थीटा। तो क्या 10 को मुझे परपेंडिकुलर बाय बेस दिखना चाहिए? यस यस सर। परपेंडिकुलर 10 दिख रहा है और बेस भी 10 है क्या? यस सर। और माइनस साइन क्यों लगाया? 10 अल्फा किसके इक्वल है? क्या 10 अल्फा 10/10 है? यस सर। थीटा किसके इक्वल है? पाई माइनस अल्फा। तो 10 थीटा किसके इक्वल होगा? 10 पाई माइनस अल्फा। तो क्या इसको मैं -10 अल्फा कह सकता हूँ? यस यस। तो इसका मतलब 10 थीटा कितना आ गया मेरे पास? -1। -1। तो क्या मेरे पास वेलोसिटी आ गई है? यस